सभी बच्चे ध्यान देंगे, आज थ्योरी का टॉपिक है, मतलब आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ाएंगे बेटा जो कि थ्योरेटिकल है। हमारा जो है इस चैप्टर का थ्योरेटिकल टॉपिक आज आपके सम्मुख लर्नअप होगा या चलेगा। थ्योरी का टॉपिक है, पूरी तरह से थ्योरी है जो पढ़ाऊंगा। और अभी तक आपने डेरिवेशन पढ़े थे, सारे डेरिवेशन इस चैप्टर के समाप्त हो गए, जितने भी डेरिवेशन थे सब पढ़ा दिए। आज हम इस चैप्टर में आपको थ्योरी पढ़ाएंगे और आज की थ्योरी के बाद एक टॉपिक मात्र चैप्टर में बचेगा जो कि जो है प्रैक्टिकली बहुत महत्वपूर्ण है, आम जीवन में जरूरी होता है, वन डे ग्राफ जनरेटर। फिलहाल आज थ्योरी का टॉपिक है तो आज हम लोग थ्योरी टॉपिक पढ़ेंगे। और एक बात बताना चाहेंगे बच्चों कि जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 3-in-1 टॉपिक है। 3-in-1 टॉपिक मतलब एक साथ एक टॉपिक अगर मस्त समझ में आ जाता है तो 3 हेडिंगों में काम आ जाएगा। 3 अलग अलग हेडिंग हमें नहीं बतानी पड़ेगी अगर आप जो है जो टॉपिक समझाने जा रहा हूँ उसे समझ जाए। आवेशीय संग्रहण, आवेशीय संग्रहण ये टॉपिक अगर आप जो है देखोगे तो इस टॉपिक के साथ साथ मैं आपको परावैद्युत का ध्रुवण और परावैद्युत पदार्थों का धारिता पर प्रभाव, 3 हेडिंग एक साथ समझ में आ जाएगी। अगर आप आवेशी संग्रहण टॉपिक पढ़ते हैं तो परावैद्युत का ध्रुवण और आवेशीय संग्रहण एक साथ 3-3 हेडिंग समझ में आएगी। तो यहाँ देखिए जरा, हम आपको परावैद्युत का ध्रुवण बता रहे हैं लेकिन आवेशी संग्रहण और जो है साथ साथ आपको परावैद्युत पदार्थों का उपस्थिति से धारिता पर इफेक्ट, ये सब चीजें भी समझ में आ जाएगी। हाँ बच्चों, परावैद्युत का ध्रुवण, आवेशीय संग्रहण और धारिता का परावैद्युत पदार्थों की उपस्थिति से प्रभाव, एक साथ 3-3 हेडिंग आप समझेंगे। ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि एक साथ 3 हेडिंग। देखिए जरा, सबसे पहले हम आपके सामने समांतर प्लेट संधारित्र बना रहे हैं। गौर से देखिए, यह बच्चों एक समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब है, खूब ध्यान से समझिएगा, थ्योरेटिकल टॉपिक है, कहानी में है। समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब एक चालक प्लेट एक्स हो और ये चालक प्लेट एक्स मान लीजिए ए क्षेत्रफल की है और किसी स्टैंड से कसकर बंधी है, ये इस तरह से किसी स्टैंड से ये हमारी चालक प्लेट कसकर बंधी है। यहां पर देखिए जरा, एक स्टैंड है और स्टैंड से जो है ये हमारी चालक प्लेट संबंधित है, इस तरह से ये समांतर प्लेट संधारित्र। प्यारे बच्चों आपके सम्मुख बना रहे हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक है, मस्त 3 हेडिंग एक साथ हम एक ही पे 3 हेडिंग समझा देंगे। ध्यान दीजिएगा, थ्योरी है, याद नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम में आपसे अक्सर पूछता है। ये चालक प्लेट एक्स को हम ये वैद्युत स्रोत से जोड़ करके आवेश दे करके इसे चार्ज कर रहे हैं, ये प्लस क्यू आवेश इस प्लेट एक्स पर आ रहा है। और ये प्लेट एक्स आप सभी समझ रहे हो पूरी तरह से धन आवेश से आवेशित हो जाएगी। आप सभी के सम्मुख मैं समांतर प्लेट संधारित बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ये चालक प्लेट एक्स है, स्टैंड से कसकर बंधी है और प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, इज दैट ओके। अब इसी के सामने इसी जैसे आकार की और इसी के क्षेत्रफल के समान एक दूसरी चालक प्लेट है, गौर से देखिए,
ये दूसरी चालक प्लेट है बच्चों, और ये चालक प्लेट हमारी वाई है, और ये चालक प्लेट वाई अगर गौर से समझो सभी लोग, प्लेट एक्स के सम्मुख रखी है, और चालक प्लेट वाई जो कि प्लेट एक्स के सम्मुख रखी है यह भी किसी स्टैंड से कसकर बंधी है। स्टैंड से इसका भी कनेक्शन है। दूसरी वाली चालक प्लेट पहली चालक प्लेट के समांतर और पहली चालक प्लेट से कुछ दूरी पर इस तरह से जो है रखी हुई है। ये दो चालक प्लेटें एक दूसरे के समांतर हैं। पहली चालक प्लेट वह तो स्रोत से जुड़ी है, आवेशित है। दूसरी चालक प्लेट अनावेशित दिख रही है, इसका मतलब ये समांतर प्लेट संधारित्र आपको दिख रहा है। ये आपके सामने हम समांतर प्लेट संधारित्र बनाए हैं। एक चालक प्लेट एक्स स्रोत से जुड़ी है, पूर्णतः आवेशित है। दूसरी चालक प्लेट इसके सामने है और जो है ये अनावेशित है। आवेशित प्लेट के सामने वाली प्लेट का सिरा स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण पूरी तरह से ऋण आवेशित हो गया। ये आप जानते रहें और हमेशा याद रखें कि अगर कोई चालक प्लेट के सामने अगर अनावेशित चालक प्लेट रखी जाती है तो उसका जो है सामने वाला सिरा विपरीत आवेश से आवेशित हो जाता है। मतलब जो है अगर ये धन है तो सामने वाली प्लेट ऋण आवेश से आवेशित हो जाती है, और अगर ये ऋण होती तो सामने वाली प्लेट धन आवेश से आवेशित हो जाती। इस घटना को स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब बच्चों आपके सामने समांतर प्लेट संधारित्र साफ साफ बना है। एक प्लेट स्रोत से जुड़ी है और दूसरी प्लेट का भीतरी सिरा ऋण आवेशित हुआ, बाहरी सिरा धन आवेशित हो जाएगा, इसलिए हम इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे और सारा धनावेश पृथ्वी से जुड़े होने के कारण समाप्त हो जाएगा। ये सारा का सारा धनावेश पृथ्वी में समाहित हो जाएगा। ये आपके सामने समांतर प्लेट संधारित्र बना हुआ है। लंबी लंबी तीन हेडिंग एक साथ एक ही हेडिंग में समझ आ जाएगी। कॉन्सेप्ट तीनों हेडिंग का एक ही है, मन लगा के समझो तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा, अगर ये समांतर प्लेट संधारित्र है और इसकी दोनों प्लेटों के बीच हम कोई एक परावैद्युत पट्टी रखते, कोई एक परावैद्युत पदार्थ रखते, तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परावैद्युत का ध्रुवण क्या है, और हेडिंग जो ऊपर डाले हुए हैं आवेशीय संग्रहण कलेक्शन ऑफ चार्जिंग क्या होगा, यही सब हमें समझाना है। तो सबसे पहले जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो जान लें, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि परावैद्युत पदार्थ होते क्या है। पढ़ाया हुआ है इसी चैप्टर में कि विद्युत के आधार पर दुनिया में पदार्थ तीन प्रकार के आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हो, चालक अचालक अर्धचालक। आपको बताया गया है ऐसे समस्त पदार्थ जिनके एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर आवेश का प्रवाह संभव होता है, जिन पदार्थों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश बह सकता है, आवेश प्रवाहित हो सकता है, वे पदार्थ विद्युत के सुचालक या चालक कहलाते हैं। चालक पदार्थों की चालकता अधिक होती है, ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है, माने चालक पदार्थ जो है कि चालकता कम होने लगती है, आवेश बहने का गुण घटने लगता है। सभी धातुएं ग्रेफाइट और जंतुओं का शरीर विद्युत के सुचालक होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह संभव है, और ऐसी समस्त वस्तुएं जिनके एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश प्रवाहित ना हो सके, जिनकी चालकता नगण्य हो, वे पदार्थ विद्युत के अचालक या कुचालक कहलाते हैं। ताप बढ़ाने पर इनकी भी चालकता घटती है। सभी उपधातुएं अधातुएं रबर प्लास्टिक लकड़ी पत्थर ये सब विद्युत के अचालक या कुचालक होते हैं।
जिनमें जो है आवेश से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। तीसरे आप छोटी कक्षाओं पढ़े हैं सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक और अचालक के बीच में हो, माने जिनकी चालकता चालकों से कम हो किंतु अचालकों से ज्यादा हो। एक और परिभाषा होती है कि ऐसे समस्त पदार्थ जो सामान्य ताप पर, माने जब प्रकृति में पाए जाए नॉर्मल टेम्परेचर पर विद्युत के कुचालक हो, और उच्च ताप पर ताप बढ़ाए जाने पर विद्युत के सुचालक हो जाए, वही पदार्थ सेमी कंडक्टर या अर्धचालक कहलाते हैं। आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हो सिलिकॉन व जर्मेनियम दुनिया के प्रसिद्ध अर्धचालक है। आज से जान लो चौथे समूह के तत्व मेंडली पावर सारणी में फोर्थ ग्रुप के सारे एलिमेंट अर्धचालक होते हैं। कार्बन एक सस्ता सुचाल और बहुत ज्यादा मात्रा में आसानी पूर्वक सुलभ अर्धचालक है, कार्बन भी अर्धचालक है, आप तो जान लो। तो इस तरह से बच्चों आप जो है चालक अचालक अर्धचालक, अंग्रेजी में आओ कंडक्टर बैक कंडक्टर इंसुलेटर और तीसरे सेमीकंडक्टर, इनके बारे में आप जानते हैं क्या है कैसे है, हमने आपको समझाया। यहां विद्युत में एक चौथा पदार्थ भी पैदा हो गया है, ऐसे पदार्थ जो आवेश को प्रवाहित होने दे, माने जिसके एक सिरे पर आवेश रखो दूसरे सिरे पर आवेश चला जाए, ऐसे सभी पदार्थ जो आवेश को प्रवाहित होने दे लेकिन स्वयं आवेशित ना, बिना आवेशित हुए आवेश को बहने दे, ऐसे पदार्थ परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस कहलाते हैं। मतलब बच्चों परावैद्युत पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, सत्यनारायण की कथा बाँच रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ऐसे सभी पदार्थ जो स्वयं बिना आवेशित हुए माने खुद चार्ज ना हो, खुद आवेशित ना हो, बिना आवेशित हुए स्वयं से होकर आवेश को प्रवाहित होने दे, मतलब ऐसे सभी पदार्थ जो स्वयं से आवेश को बहने दे, आवेश को प्रवाहित होने दे किंतु स्वयं जो है आवेशित ना। ओके, मतलब यहां पर आवेश धरी, आवेश दौड़त भागत दौड़त भागत दौड़त भागत दौड़त भागत यहां तक चला है, लेकिन ये बेचारू चार्ज। तो ऐसे सभी पदार्थ जो बिना स्वयं आवेशित हुए आवेश को खुद से गुजरने दे प्रवाहित होने दे, वही सारे पदार्थ परावैद्युत या डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस अंग्रेजी में कहलाते हैं। प्यारे साथियों, परावैद्युत पदार्थ के उदाहरण पैराफीन समूह के सभी यौगिक, माने मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन सेप्टेन ऑक्टेन ब्यूटेन डेकेन वगैरह 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 वगैरह। परावैद्युत पदार्थ का उदाहरण पैराफीन समूह के यौगिक, पैराफीन मोम चीड़ आबनोस कागज, और एक महाभवकाली उदाहरण है अभ्रक। अभ्रक इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ परावैद्युत पदार्थ, डायलेक्ट्रिक मटेरियल में सबसे ज्यादा जो है बढ़िया उदाहरण परावैद्युत पदार्थ का, सबसे बढ़िया उदाहरण परावैद्युत पदार्थ कागज भी होता है, आबरूस भी होती है, परावैद्युत चीड़ भी है, परावैद्युत पैराफीन भी है, मोम भी है, लेकिन सबसे भावकाली उदाहरण क्या है? अभ्रक। अभ्रक के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, अभ्रक को अंग्रेजी में माइका कहते हैं, या MICA, माइका। और अभ्रक जो है भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है, जैसे अभ्रक का उत्पादन भारत में विश्व में नंबर एक स्थान पर है, तब आता है ये जो है भारत को। अब है क्या, आप सभी लोग जो है अभ्रक का दर्शन किए हैं लेकिन जानते नहीं है, तो आपको आज याद दिला रहे हैं कि अभ्रक नाम तो सुना सुना लग रहा होगा,
इतिहास भूगोल भूगोल में सुने होंगे, ये है क्या फिजिक्स के हिसाब से डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, परावैद्युत पदार्थ। चलिए याद दिलाते हैं कहाँ यूज होता है ये। अगर आप कभी कपड़ा प्रेस किए हो, कपड़ा प्रेस करना चाहते हो ना, तो जो प्रेस होता है हीटर, हैंडल लगा होता है, हैंडल लगा होता है, आप करो ऐसे हैंडल होता है, आप ऐसे उसको पकड़ते हो, फिर उसके जो है हैंडल के चारों तरफ ऐसे बॉडी बनी होती है उस प्रेस की, अलग अलग कंपनी वाले अलग अलग डिजाइन की, फिर नीचे जो है मोटी सी प्लेट होती है ऐसे, और ये प्लेट अंदर छुपी होती है, आपको दिखाई नहीं देती। इसके भी नीचे एक और चौड़ी सी प्लेट होती है जो आपको दिखाई देती है, ये होती है हमारी प्रेशर प्लेट, दाब प्लेट, और ये होती है हमारी भार प्लेट। दोनों प्लेटें बहुत हैवी होती है, वजनी होती है, तभी तो कपड़े पर पहले आती है। ऐसे कुछ प्रेस होता है, अगर आपको याद हो कुछ इसी स्टाइल में प्रेस होता है, रफली फिगर बनाए गए, ठीक है, ज्यादा बढ़िया बना देंगे तो फेमस आर्टिस्ट हो जाएंगे, आप लोग मेरे पीछे लग जाओगे, याद है। तो यहाँ ये कौन सी प्लेट है, फीकर वाली दाब प्लेट, और ये नीचे वाली कौन सी प्लेट है, भार प्लेट। इन दोनों प्लेटों के बीच में ये दाब वाली प्लेट दुकान रहा था, अंदर रहा था, दिखा देना है। इन दोनों प्लेटों के बीच में एक झिल्ली होती है, दोहरी करके जो है, कैसी होती है, डबल फेरो में ऐसे झिल्ली होती है, इस तरह से दोहरे आधार में ऐसे झिल्ली होती है, ठीक है। और ये झिल्ली जो है माइका या अभ्रक की होती है, और इस झिल्ली जैसे एक ऊपर परत है एक नीचे ऐसे चिपकी रहता है, झिल्ली के बीचों बीच में नाइक्रोम या मैग्नीन का कुंडली नुमा तार होता है, और ये सारी व्यवस्था इन दोनों प्लेटों के बीच में दबी रहती है। अब यह बाहर जो है प्लग लगाते हो तो ये जो है कुंडली बाहर स्रोत से जुड़ी होती है, इसमें बिजली आती, विद्युत। तो ये जो अभ्रक की पत्ती है, माइका की पत्ती है, इसका रोल समझो, यह आवेश तो बहने देती है लेकिन स्वयं अनचार्ज रहती है, स्वयं आवेशित। तो यहां जो बाहर से करंट आता है वो केवल इसी कुंडली में जाता है, ऊपर वाली पत्ती पर और नीचे वाली पत्ती पर नहीं आता। इस कारण जो ना भार प्लेट में करंट जाता है ना तो दाब प्लेट में करंट जाता है, दोनों प्लेटों में करंट का प्रवाह नहीं होता जबकि अंदर करंट आ रहा है। यही जो है अभ्रक की पत्ती बचाती है, इन दोनों प्लेटों में करंट नहीं आने देती, नहीं तो जैसे आप टच करके प्रेस करते समय देखते हो गर्म भार कि ना है, प्रेस करने लगते हो तो चमक जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाए तुरंत राम नाम सत्य है। तो यहाँ जो है अब आप अभ्रक की पत्ती का रोल समझ गए कि ये स्वयं आवेशित नहीं होती लेकिन अपने से होकर आवेश को बहने देती है। तो यही जो है रोल होता है यहाँ दाब प्लेट और भार प्लेट के बीच में, ये चाचा अभ्रक का, जो कि जो है आवेश को बहने देते हैं लेकिन स्वयं आवेशित। इसकी ऊपरी वाली परत किससे जुड़ी होती है, दाब प्लेट से, और नीचे वाली परत किस पर चिपकी होती है, भार प्लेट पर। तो दाब और भार प्लेट दोनों में करंट प्रवाह नहीं होता लेकिन कुंडली में करंट का प्रवाह होता रहता है। तो ये हमारी जो है परावैद्युत पदार्थों की कहानी हो गई कि ऐसे समस्त पदार्थ जो स्वयं आवेशित न हो लेकिन आवेश को स्वयं से बहने दे। तो हमने इसको बताया क्यों, कोई भवकाल होगा तभी बताया। ऐसा है कि ये जो परावैद्युत, ये जो संधारित्र बनाए हैं समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी प्लेटों के बीच हम कोई परावैद्युत पदार्थ रखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं क्या होगा। परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति से धारिता का प्रभाव, और बेटा पूरा थ्योरी है और आधे पन्ने की थ्योरी है और तीन बार पढ़नी है, मतलब तीन एडियो में आए, तो इसलिए ऐसा समझो कि मेरी तरह आपको भी रटा रहे कि
कि अगर सोते रहो तब भी जो है आराम से बता लो, फिजिक्स मेरे पूरे सांसों में भरी हुई है, जगाओ अचानक अभी तुरंत बकने लगेंगे। तो वैसे ही आप लोगों को भी याद हो जाए ऐसा समझिए, अगर हम ये कोई एक बड़ा वैद्युत पट्टी, गौर से समझो, अब आप जान गए बड़ा वैद्युत पट्टी मतलब जैसे अभरक वगैरह की प्लेट, कोई एक चौड़ी सी बड़ा वैद्युत पट्टी हम ले लिए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बड़ा वैद्युत पट्टी एक ले लिए और इसको संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में रख लिए और बड़ा वैद्युत पट्टी का नाम मान लो ए बी है, ध्यान दीजिएगा कि यह समांतर प्लेट संधारित्र था और समांतर प्लेट संधारित्र, गौर फरमाइएगा कि दोनों प्लेटों के बीच कछु मोटाई की एक बड़ा वैद्युत प्लेट रख दी गई, सपोज करो कागज की प्लेट बना के रख दिए या अभ्रक की प्लेट बना के रख दिए, पैराफिन मोम की एक प्लेट रख दिए, मन लगा समझो बेटा एक साथ तीन टॉपिक समाप्त हो जाएंगे, तो पड़ा वैद्युत प्लेट रख दिए, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि कोई एक जो है अभ्रक या जो भी नाम ली मोम या पैराफिन इन्हीं की कोई एक प्लेट रख दिए, और अब इस संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा आगे आप बताने जा रहे हैं। तो यहां देखिए जरा, ये जो परा वैद्युत पट्टी है कोई एक प्लेट है, असंख्य छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी हो, इस प्लेट का निर्माण केमिस्ट्री में आ गए हैं, असंख्य छोटे छोटे परमाणुओं से हुआ होगा, माने इस पट्टी में असंख्य छोटे छोटे इस परा वैद्युत पट्टी को बनाने वाले ऐसे परमाणु होंगे, ये पट्टी असंख्य छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी होगी, यहाँ असंख्य छोटे छोटे परमाणु इस परावैद्युत पट्टी का निर्माण कर रहे होंगे, ये परावैद्युत पट्टी असंख्य छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी होगी, यहाँ इस पट्टी में बहुत सारे इस पट्टी को बनाने वाले परमाणु होंगे, ये इस तरह से बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर ये पट्टी हमारी बनी हुई है। आप सभी लोग देख रहे हैं कि हम आपके सामने बड़ा वैद्युत पट्टी के परमाणुओं की सकल सूरत बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम बड़ा वैद्युत पट्टी के परमाणु कैसे बड़ा वैद्युत पट्टी में भरे हुए हैं। देखो जरा, ऐसे असंख्य परमाणु बड़ा वैद्युत पट्टी में भरे हुए हैं, हम आपको परा वैद्युत पट्टी के परमाणुओं की जो है शक्लें दिखा रहे हैं। ऐसे देखो, परा वैद्युत पट्टी के सभी परमाणु इसी तरह से कुछ होंगे, थोड़ा कहीं टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा होगा, परमाणु जान रहे हो जबकि गोलाकार के होते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा होगा, वो सब चलेगा, आप लोग गोला गोला बना लीजिएगा। परा वैद्युत पट्टी के ये सब परमाणु है, ऐसे असंख्य परमाणु ठोस ठोस के भरे हुए हैं इस परावैद्युत पट्टी में, परावैद्युत पट्टी में इस परावैद्युत पट्टी का निर्माण करने वाले असंख्य परमाणु यहाँ ठोस ठोस के भरे हैं, ये इस तरह से ऐसे। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, नो डाउट किसी को कोई असुविधा नहीं है, हम धीरे धीरे समझा रहे हैं कि एक एक टॉपिक एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाए। गौर फरमाइएगा कि ये हमारी जो संधारित्र थी, यहाँ इसके बीच में परावैद्युत प्लेट रख दिए, और फिर आपको थोड़ा डीप में ले जा रहे हैं कि ये जो परावैद्युत प्लेट है जब रखी गई तो इसमें तो इसके असंख्य परमाणु होंगे कि नहीं, थोड़ा और डीप में जाओ और थोड़ा सा अंदर घुसो, इसके जो परमाणु है हमको केमिस्ट्री बताई हुई है कि परमाणु कंटेन टू टाइप ऑफ एलिमेंट, दुनिया के प्रत्येक परमाणु में दो तरह के अवयव होते हैं, क्या नाभिक रूपी धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन रूपी ऋणावेश, और कुछ नहीं होता। अगर हम फिजिक्स की भाषा में आए तो हमारे परमाणु में दो चीजें हैं, भीतर वाला गोल गोल नाभिक ठोस और धन आवेशी, और बहरे वाले चाचा इलेक्ट्रॉन, ये और कुछ रहे। नाभिक के बात करते हैं तो मैं इंक्लूड होगा न्यूट्रॉन, उसके बारे में बोलेंगे ना, तो एनी
परमाणु कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ एलिमेंट, वन टाइप ऑफ एलिमेंट इज एज इलेक्ट्रॉन एज ऋण आवेश कण एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ एलिमेंट एज नाभिक एज धन आवेश कण। ओके इट्स माय इंग्लिश। तो यहां समझ रहे हो कि परमाणु पट्टी असंख्य परमाणुओं से मिलकर बनी है और हर परमाणु दो तरह के अवयव को रखते हैं, नाभिक रूपी धन आवेश और इलेक्ट्रॉन रूपी इज दैट ओके। स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना याद करो, आपको समझाएं हैं कि अगर कोई आवेशित प्लेट है उसके सामने अनावेशित प्लेट आती है तो विपरीत आवेश से आवेशित हो जाती है। व्हाई, क्यों? क्योंकि जो अनावेशित प्लेट है उसमें जो है समान संख्या में धन और ऋण है, इसलिए वो अनावेशित है। लेकिन जब जो है वो धनावेशित के सामने आती है तो विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, चाचा धनावेश सारे ऋण आवेश का पड़ी कहते खींच लेते हैं, तो बेचारा ही वाला सीधा जौना है अनावेशित वाला ऋण आवेशित हो जाता है। वैसे ऋण आवेशित प्लेट के सामने अगर कौन अनावेशित प्लेट रखी जाए तो क्या बन जाता, धनावेशित। तो इतना समझ गया, इतना समझ में आए कि परावैद्युत प्लेट धैद यही संधारित के प्लेट के भीतर परावैद्युत प्लेट परमाणुओं से मिलकर बनी है और हर परमाणु में नाभिक रूपी क्या है, धन आवेश और इलेक्ट्रॉन रूपी दुइये जने यहां से जब गोलू 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 बनाए यही इमें दू जने भर सकी थी केका केका ऋण आवेश रूपी इलेक्ट्रॉन धनावेश रूपी नाभिक। अब थोड़ के ध्यान दे परावैद्युत प्लेट का जाऊं सीधा धनावेशित प्लेट के सामने पड़े स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण कि जाऊं धनावेश हाय केका खाइचे ऋण आवेश माने जो सिरा इस प्लेट का धन प्लेट के सामने पड़ेगा उस सिरे के सारे परमाणु जितना परमाणु बचे सारे परमाणु के ऋण आवेशित कर बोले तो इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आकर एकर्षित हो जाएंगे कि नहीं, इकट्ठा हो जाएंगे कि नहीं। तो यहां इन परमाणुओं में जो धन और ऋण था, धन आवेश के सामने जो सिरा पड़ रहा है उस सिरे के समस्त इलेक्ट्रॉन विपरीत आवेश इस धनावेश के सम्मुख आकर इकट्ठा हो जाएंगे। ये ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन इस सिरे की ओर आकर इकट्ठा हो जाएंगे, कौन सी घटना के कारण, स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण। मजेदार टॉपिक है समझो। और इसके जस्ट विपरीत साइड में सारे धनावेश माने नाभिक इकट्ठा हो जाएंगे और आप देख रहे हैं कि अब जो परावैद्युत पट्टी है इसके साथ कहानी होने लगी, परावैद्युत पट्टी के साथ कहानी हो रही है। हमारी ये परावैद्युत पट्टी गौर से देखिएगा, परावैद्युत पट्टी हमारी जो है गौर फरमाइएगा, परावैद्युत पट्टी बड़ा कर देगा थोड़ा सा दिख रहा होगा, परावैद्युत पट्टी असंख्य छोटे छोटे किससे मिलकर बनी थी, परमाणुओं से। हर परमाणु में क्या होते हैं, नाभिक रूपी धनावेश और इलेक्ट्रॉन रूपी। परावैद्युत पट्टी का जो सिरा प्लेट एक्स के सामने पड़ा होगा स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण उस सिरे के सभी परमाणुओं के, ये सब परमाणु है, कौन चीज आकर्षित हुए होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आकर इकट्ठा हो गए इधर की ओर, तो इसलिए सिरा एक क्या हो गया, ऋण आवेश हो गया। ऐसे ही लंतरारी मारो, परावैद्युत पट्टी का जो सिरा माने सिरा बी ऋण आवेश प्लेट वाई के सामने पड़ा होगा स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण, माने इस सिरे के परमाणुओं के समस्त नाभिक इसकी ओर आकर्षित हुए होंगे और इधर की ओर समस्त क्या एकत्र हो गए होंगे, नाभिक एकत्र हो गए होंगे। समस्त नाभिक इस साइड आकर एकत्र हो गए होंगे और इसलिए बी वाला सिरा क्या हो गया, और ये इधर जो है सारे दूसरी तरफ आवेश इकट्ठा हुए होंगे। और आप समझ गए होंगे कि अब हमें बताने की जरूरत नहीं है
कि इस धन परमाणुओं के बगल सारे उस वाले परमाणु के कौन आप जो है कण इकट्ठा हुए होंगे इलेक्ट्रॉन, और दूसरी तरफ कौन इकट्ठा हो गए होंगे नाभिक। तो इस तरह से परावैद्युत पट्टी के प्रत्येक परमाणु अब आयन बन गए, आवेशित हो गए। ये इतनी कहानी अगर समझ में आई हो तो मजा आ गई, क्योंकि एक टॉपिक आपको समझ में आ गया, एक हेडिंग हमारी पूरी हो गई। एक बार फिर से यही इतनी लंतरानी बताए बेटा, एक हेडिंग पूरी हो गई। उस हेडिंग का नाम अभी बता रहे हैं कि जब समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच हमने क्या रखा, एक परावैद्युत प्लेट ए बी। परावैद्युत प्लेट असंख्य छोटे छोटे किससे मिलकर बनी थी, परमाणुओं से। प्रत्येक प्रमाण में क्या क्या उपस्थित थे, प्रत्येक प्रमाण में धनावेश रूपी नाभिक और ऋणावेश रूपी इलेक्ट्रॉन प्रस्तुत थे। इस परावैद्युत प्लेट का जो सिरा धनावेशित प्लेट अक्ष के सामने पड़ा, स्थिर विद्युत प्रेरक के कारण ऋणावेशित हुआ होगा, माने उस सिरे के परमाणुओं के सारे इलेक्ट्रॉन आकर के सिरे ए की ओर प्लेट अक्ष के सामने इकट्ठा होने लगे, माने वो सिरा क्या हो गया। ऐसे ही परावैद्युत प्लेट के दूसरे सिरे के सभी परमाणुओं में जो प्लेट वाई के सम्मुख पड़ रहे हैं, माने ऋणावेश के सम्मुख है स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण, उधर के परमाणुओं के सभी धनावेश आकर इकट्ठा हो गए, माने वो सिरा क्या हो गया धनावेश। तो इस तरह से ये परावैद्युत प्लेट का एक सिरा क्या बन गया, ऋणावेश, और दूसरा सिरा क्या बन गया। तो अब हमारी परावैद्युत पट्टी में दो सिरे हो गए, दो किनारे, एक किनारा धनावेश एक किनारा, और अर्थात परावैद्युत पट्टी ध्रुवित हो गई, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव बन गया। इस घटना को परावैद्युत का ध्रुवर कहा जाता है। और ये एक हेडिंग अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि इसमें तीन हेडिंग है, तो अब आप एक हेडिंग जान गए परावैद्युत का ध्रुवर। अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवर से आप क्या समझते हो, तो आप इतना बता देंगे। ये परावैद्युत का ध्रुवर अगर पूछा जाए तो यहां तक बता दोगे एक टॉपिक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ, थ्योरी है लेकिन दिमागी थ्योरी है, दिमाग भिड़ाओगे तब आएगा। हाँ प्यारे बच्चों, लुक हियर, देखिए जरा परावैद्युत का ध्रुवण, ये टॉपिक हो गया परावैद्युत का ध्रुवण। मतलब आपको समझ में आ गया कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत प्लेट रखी जाए जो असंख्य छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बनी होगी, और प्रत्येक परमाणु में कितने प्रकार के अवयव होंगे, दो प्रकार के, धनावेशित रूपी नाभिक और ऋणावेशित रूपी इलेक्ट्रॉन, और जो प्रमाण धन प्लेट के सामने पड़ेंगे स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण, उन परमाणुओं के विपरीत आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन इनके सामने आकर इकट्ठा हो जाएंगे और सीधा ए पूरी तरह से ऋणावेशित हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहां इस परावैद्युत पट्टी के सिरे बी की ओर होगा, इधर के जितने भी परमाणु ऋणावेशित प्लेट वाई के सामने होंगे स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण विपरीत आवेश से आवेशित होंगे, माने इधर के सारे नाभिक परमाणुओं के आकर इसी साइड इकट्ठा हो जाएंगे, और इस तरह से परावैद्युत प्लेट का सिरा भी धनावेशित और सिरा ए क्या हो गया ऋणावेशित। प्यारे बच्चों, इसे ही हम परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं, माने हमारी परावैद्युत प्लेट ध्रुवित हो गई, परावैद्युत प्लेट का इसे ही हम ध्रुवण कहते हैं, एक सिरा धनावेशित और एक सिरा ऋणावेशित। थोड़ा और डीप में घुसो और समझो, देखो बेटा जब ये परावैद्युत पट्टी नहीं रखे थे तो प्लेट एक्स और प्लेट वाई के बीच वैद्युत क्षेत्र था, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते हैं वेक्टर ई थी, और इसकी दिशा कहां रही होगी, एक्स से वाई की ओर। वैद्युत क्षेत्र हमेशा धन से ऋण की ओर होता है, गौर से देखो और क्या बता रहे हैं।
अगर जो है ये परावैद्युत प्लेट नहीं रखी थी तो ये प्लेट एक्स धन आवेशित है और प्लेट वाई ऋण आवेशित है, दोनों प्लेटों के बीच पर्याप्त वैद्युत क्षेत्र रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा जिसकी दिशा किधर से किधर रही होगी, प्लेट एक्स से प्लेट इधर, क्लियर? काम चलता है, मान लिया जैसे 100 न्यूटन।